कबीर सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल जगह मिली है, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, और उनके मुंह से ऐसे अल्पार निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति, वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना, उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए, परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आजादी के पहले, आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बहन सिंह जी की हत्या हो गई, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, खालिस्तान नहीं बने थे, ये कभी सभी भूल जाते हैं क्या? और इस परिवार का कोई व्यक्ति, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल में ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना है, फिर भी देशवासी चाहते हैं हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। इनको कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था, जिस प्रकार ये भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता दुर्भाग्य।